आप कभी कागज पे अपना पेन पेंसिल लेके डायरी पे लिखिए, एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहाँ बिताते हैं। अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विषय को देते हैं, और उसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बेसिक में जाते हैं, बारीकियों में जाते हैं। थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए। मैं पक्का मानता हूं कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजें हैं उसी में सबसे ज्यादा समय लगाते हैं और उसी में खोए रहते हैं। फिर तीन विषय ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है, वो फिर आपको बोझ लगेगा, मैंने दो दो घंटे मेहनत की लेकिन ये तो हुआ नहीं। और इसलिए आप सिर्फ पढ़ना दो घंटे ऐसा नहीं, लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विषय है आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगता है, तय कीजिए पहली 30 मिनट इसको, फिर एक पसंदगी वाला विषय है 20 मिनट उसको, फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनट उसको। आप ऐसा स्लैब बनाइए तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विषयों पर रुचि बढ़ेगी।